सत श्री अकाल जी सारियानू स्वागत करती हाँ। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असी करांगे साइंस एंड टैक्नोलॉजीज दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दा पार्ट 11 जां फिर यह कह सकते हैं कि साइंस एंड टैक्नोलॉजी दा पार्ट लास्ट। इस दे नाल साडा एक होर टॉपिक कवर हो जाना है जिसका नाम है साइंस एंड टैक्नोलॉजीज। जिमें कि तुहानू पता है असी पोलीटिकल कवर कर चुके हैं जिस दे विच असी इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन भी कवर कर लिया है, ठीक है जी। तो हूँ असी उस दे भी मॉक टेस्ट कवर करांगे। हूँ इस तो इलावा तुहाडा साइंस एंड टैक्नोलॉजीज टॉपिक अज खत्म हो जाना है, इस तो बाद असी इस दे भी मॉक टेस्ट कवर करांगे। सो जेडे भी स्टूडेंट पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर पंजाब पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह साइंस एंड टैक्नोलॉजीज का एक भी पार्ट भुल के भी ना छड़न। जेकर तुसी ये 10 या 11 पार्ट ध्यान नाल कर लैंदे हो तां पेपर दे विच आप पता लगेगा कि हाँ जी तुसी तैयारी करके ही पेपर दे रहे हो, ठीक है जी। तो इन्ना यकीन मनो कि 500 MCQ तो बाहर तुहानू कोई भी MCQ नहीं आऊगा। पेपर का लैवल जो मर्जी रहे, क्योंकि मैं लो लैवल तो लैके हाई लैवल तक के MCQ कवर करवा दिते ने। सो पेपर का लैवल जो मर्जी रहे, तुसी जेकर वीडियोज़ नू ध्यान नाल देख लैंदे हो जां तां की है कि नोट्स बना लिया करो जां फिर वीडियोज़ नू 2-3 वार रिपीट कर लिया करो, रिवाइज़ कर लिया करो तां जो तुहानू MCQ पक्के हो जाण, ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ, शुद्ध पानी का pH पद्धर किन्ना हुंदा है? हाँ जी, शुद्ध पानी का लगभग pH पद्धर आ जिहड़ा वह 7 हुंदा है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, अविरती सारणी का पहला तत्थ किहड़ा है? हाँ जी, अविरती सारणी का जिहड़ा पहला तत्थ आ वह है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, एडेस एजैप्टी मच्छर के वढ़न के कारण हो सकता है? हाँ जी, एडेस एगेपटी मच्छर के वढ़न के कारण डेंगू हो जाता है। मच्छर आ गया वढ़न के कारण तो डेंगू ही होगा। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, आवाज़ डैश द्वारा परावर्तित हो नहीं हो सकती? हाँ जी, आवाज़ आ जी किस दे द्वारा परावर्तित नहीं होंगी? वैक्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सूरज की सब तो बाहरी परत को की कहा जाता है? हाँ जी, सूरज की सब तो बाहरी परत को करोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? हाँ जी, प्रकाश की जिहड़ी गति है वह कितनी होती है? 29,97,92,458। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, बट सेंटीमीटर दे विच, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर दे विच, मीटर पर सैकेंड दे विच, सॉरी मीटर पर सैकेंड बोलना सी। जेकर स्पीड आ तो हमेशा ही इस तरह ही होगा कि किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर सैकेंड, ठीक है, मीटर पर सैकेंड, इस तरह दे। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, आवाज़ की गति कितनी होती है? हाँ जी, आवाज़ की गति 340.29 मीटर पर सैकेंड होती है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विच्चों केड़ा पेंसिलां विच वरत्या जाता है? हाँ जी, जिवें कि सानू सबनों ही पता है कि पेंसिल दे विच ग्रेफाइट वरत्या जाता है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, केड़ी गैस आम तौर पर बिजली के बल्ब विच भरी जाती है? हाँ जी, बिजली के बल्ब दे विच केड़ी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सोडा पानी विच दबाव अधीन घुलण लई केड़ी गैस की वरतों की जाती है? हाँ जी, सोडा पानी दे विच दबाव अधीन घुलण दे लई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वरतों की जाती है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विच्चों केड़ी गैस LPG सिलेंडर दे विच नहीं मिलती? हाँ जी, LPG सिलेंडर दे विच ऑर्गन गैस आ जिहड़ी वह नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, बिजली दे बल्ब दा फिलामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिजली दे बल्ब दा फिलामेंट डैश दा बनिया हुंदा है जां किस दा बनिया हुंदा है? टंगस्टन दा बनिया हुंदा है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किस तत्त की बिजली ऋणात्मकता सब तो वध हुंदी है?
हाँ जी, विज लई ऋणात्मकता सब तो वध हुंदी आ फलोरीन दी जी, फलोरीन दी हुंदी आ। ते इस क्वेश्चन दा फिर तुहाडा राइट आंसर होवेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त विच्चों कोई भी नहीं, क्योंकि फलोरीन आंसर ही है नहीं तुहाडी ऑप्शन दे विच। ठीक है, तो राइट आंसर होवेगा उपरोक्त विच्चों कोई नहीं, ये तुसी याद रखना फलोरीन दी हुंदी आ। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विच्चों सूरजी विकिरण की कौन किस्म तो सनस्क्रीन चमड़ी की रक्षा करती है। हाँ जी, सूरजी विकिरण की कौन किस्म तो सनस्क्रीन चमड़ी की रक्षा करती है, परावैंगनी किस्म तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, वायुमंडल में तापमान बदलने का मुख्य कारण कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, कच डैश दे मिश्रण का बनिया हुंदा है। हाँ जी, कच रेत अते सिलीकेट्स दे मिश्रण का बनता वा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल डैश का एक मिश्रण है। हाँ जी, मिट्टी का तेल किसका मिश्रण आ? हाइड्रोकार्बना का, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, आम तौर पर भारी पानी की वरतों उद्योगों की हेठली किस्म की जाती है। हाँ जी, इन्हां दे विच्चों केड़े पानी जां फिर आम तौर पर भारी पानी की वरतों केड़े उद्योगों की हेठली किस्म की जाती है? परमाणु बिजली घर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, 7 तो वध पी एच वाल पद्धर वाले घोल नू डैश कहा जाता है। देखो, सत्त तो वध पी एच पद्धर वाला घोल हुंदा वा उन्हूं खारी बोलिया जाता वा। ठीक है, जिहड़ा 7 तो घट हुंदा वा उन्हूं तेजाबी बोलिया जाता वा, जिहड़ा 7 दे बराबर हुंदा वा उन्हूं उदासीन बोलिया जाता वा। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, मनुखी चमड़ी दे आम पी एच पद्धर की हुंदा है? मनुखी चमड़ी ते जिहड़ा आम पी एच पद्धर आ ओह 4.7 दा हुंदा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, ड्यूटीरियम ऑक्साइड नू डैश वजों भी भरिया जाता है। हाँ जी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड नू भारी पानी नू भी भरिया जाता है, भारी पानी वजों भी भरिया जाता, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, आसमान का नीला रंग प्रकाश दे डैश कारण है। हाँ जी, आसमान का जो नीला रंग आ वह प्रकाश दे खिंडाऊ कारण, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर रसायनिक तौर पर डैश वजों जाणिया जाता है। हाँ जी, जिहड़ी ब्लीच तुसी आम सुनिया होना अक्सर डेली आपां सुनदे आ अपनी लाइफ दे विच, ब्लीचिंग पाउडर आ जिहड़ा रसायनिक तौर पर कैल्शियम हाइपोक्लोरोराइट दे वजों जाणिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, साड़ी सूरजी प्रणाली विच मूल ग्रह के सब तो नेड़े उपग्रह केड़ा है? फोबोस, साड़ी सूरजी परिवार सूरजी प्रणाली के विच जिहड़ा मूल ग्रह के सब तो नेड़े उपग्रह हुआ फोबोस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किस ग्रह नू मॉर्निंग स्टार अते ईवनिंग स्टार वजों भी जाणिया जाता है? हाँ जी, मॉर्निंग स्टार अते ईवनिंग स्टार वजों जाणिया जाता है शुक्र नू, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सूरजी प्रणाली दे केड़े ग्रह नू लाल ग्रह कहा जाता है? हाँ जी, सूरजी प्रणाली दे मंगल ग्रह नू लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। नैक्सट क्वेश्चन, खतरे हेठ प्रजातियां दी सूची विच इस द्वारा जारी की जाती है? हाँ जी, खतरे दे हेठ जिहड़ियां प्रजातियां दी सूची तैयार की जाती है वह IUCN द्वारा की जाती है, तो IUCN की फुल फॉर्म की है तुसी कमेंट बॉक्स के लिखोगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, टमाटर का रंग डैश की मौजूदगी कारण हुंदा है? हाँ जी, टमाटर का रंग आ जिहड़ा वह किस पिगमेंट की मौजूदगी कारण हुंदा वा? फ्लेवानोइड्स के कारण हुंदा वा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, शरीर का केड़ा हिस्सा ट्रेकोमा बीमारी द्वारा प्रभावित हुंदा है? हाँ जी, शरीर का केड़ा हिस्सा वा जिहड़ा ट्रेकोमा बीमारी द्वारा प्रभावित हुंदा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, अख। नैक्सट क्वेश्चन,
रेडियो तरंगा किस परत तो धरती ते वापस परावर्तित हुंदियां हन? हाँ जी, रेडियो तरंगा आइनोस्फीयर परत तो वापस परावर्तित हुंदियां ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग विच केड़ा बालन वरत्या जांदा है? गैस वेल्डिंग दे विच एसीटिलीन वरत्या जांदा है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, लिपिड्स की हन? हाँ जी, लिपिड्स हन कुदरती मूल दी चर्बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट, जे कोई जहाज ताजे पानी तो समुद्री पानी वल जाता है तो यह डैश इसका की बदलाव आएगा उस विच? ठीक है, जो कोई जहाज ताजे पानी तो समुद्री पानी वल जाएगा तो उस विच बदलाव आएगा कि वह थोड़ा जिहा उच्चा उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल डैश ते अधिकतम हुंदा है? हाँ जी, कोरियोलिस बल बल आ जिहड़ा बल मतलब कि हुंदा दबाव, वह किस ते अधिकतम हुंदा वा? ध्रुवां ते। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पोलियो हेठ लिखियां विचों किस दे संक्रमण कारण हुंदा है? हाँ जी, पोलियो की दे संक्रमण कारण हुंदा है? आरएनए वायरस कारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किस नूं एनीमोमीटर द्वारा मापिया जाता है? हाँ जी, एनीमोमीटर द्वारा मापिया जाता है हवा की गति नूं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किस नूं ओम मीटर द्वारा मापिया जाता है? हाँ जी, बिजली प्रतिरोधकता नूं ओम मीटर द्वारा मापिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, बायोगैस डैश का मिश्रण है? बायोगैस मिथेन अते कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण आ, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन काल कितना होता है? हाँ जी, जिहड़े लाल रक्त यानी कि रैड ब्लड सैल होंदे आ उन्हां दा औसत जीवन काल कितना होंदा है? 120 दिन का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, रसायनिक तौर पर खुश्क बर्फ डैश की है? रसायनिक तौर पर जिहड़ी खुश्क बर्फ आ उह की हुंदी आ? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी आ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसे लई बोलिया जांदा कि बर्फ जिन्नी ज़्यादा ठंडी हुंदी आ देखण च जां हाथ लाउण च, ठीक है, उन्नी ही ज़्यादा वह साडी बॉडी दे लई गर्म हुंदी आ। नैक्सट क्वेश्चन, खाना पकाउण दी गैस डैश दा मिश्रण है? हाँ जी, खाना पकाउण वाली किहड़ी गैस आई तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे, तो यह ब्यूटेन अते प्रोपेन दा मिश्रण आ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, एड्स दा पुष्टिकरण परीक्षण है? हाँ जी, एड्स दा पुष्टिकरण परीक्षण आ वेस्टर्न ब्लाट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, डैश बनस्पति विज्ञानियों द्वारा वर्गीकरण की कुदरती प्रणाली नूं प्रस्तावित किया गया सी? हाँ जी, इन्हां दे विचों डैश बनस्पति विज्ञानियों द्वारा वर्गीकरण की कुदरती प्रणाली नूं प्रस्तावित किया गया सी ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, परमाणु अर्धव्यास नूं व्यक्त करन लई सब तो ढुकमी इकाई कीड़ी आ? हाँ जी, परमाणु अर्धव्यास नूं व्यक्त करन दे लई सब तो ढुकमी इकाई नैनोमीटर दी आ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किस विज्ञानी ने सिद्ध किया कि सूरज दुआले हरेक ग्रह का पंथ अंडाकार है? हाँ जी, किहड़े विज्ञानी ने सिद्ध किया वा कि सूरज दुआले हरेक ग्रह का पथ अंडाकार है? कैपलर ने, कैपलर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, धातुआ का राजा कहा जाता है? हाँ जी, धातुआ का राजा किसनों कहा जाता? सोने नू। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, बिजली और चुंबकता के विचकार संबंध की खोज किसने की? बिजली और चुंबकता के विचकार जिहड़ी संबंध की खोज वह की आ? माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, ग्लोकोमा प्रभावित करता है? हाँ जी, ग्लोकोमा किसनों प्रभावित करता है? अखां नू। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो डैश का अध्ययन करता है? हाँ जी, एंटोमोलॉजी वह विज्ञान आ जो कीड़े मकौड़ियां का अध्ययन करता है।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, लार डैश दे पाचन विच सहायता करती है। हाँ जी, लार स्टारच दे पाचन दे विच सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, समुद्री हवा डैश दे दौरान बनती है। हाँ जी, जिहड़ी समुद्री हवा वो दिन दे समय दौरान बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, बैरोमीटर रीडिंग विच अचानक गिरावट दर्शाती है। तूफानी मौसम, बैरोमीटर रीडिंग दे विच अचानक गिरावट कौन दर्शाता वा? तूफानी मौसम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सूगर की बीमारी डैश की दुष्कार्यशीलता कारण होंगी आ। हाँ जी, सूगर की जिहड़ी बीमारी आ वह किस की दुर्कार्यशीलता कारण होंगी आ? पेंक्रियास की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हरे फलों के हरे फलों के बनौनी पक्कण लई केड़ी गैस की वरतों की जाती है। हाँ जी, हरे फलों के पक्कण दे लई केड़ी गैस की वरतों की जाती है? एसीटिलीन की कीती जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हारमोन इंसुलिन एक है। हाँ जी, की आ हारमोन इंसुलिन? ग्लाइकोलिपिड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, मनुखी शरीर के किस अंग विच लिंपोसाइट सैल बनते हैं? लंबी हड्डी के विच बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, लहू का पी एच मुल कितना होता है? हाँ जी, लहू का पी एच मुल है जिहड़ा कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी इह वीडियो खत्म हुंदी आ। ते वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नू वध तों वध शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।